आज हम इस वीडियो में शटल को खोलना और उसको बंद करना बताएंगे। सबसे पहले हम ये जो दो नट है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को खोल लेंगे। हम इस डब्बी को निकाल लेंगे, ये हमने निकाल कर अलग रख दी है। अब हम इस पेज को खोल लेंगे और इस पेज को भी खोल लेंगे। ये लूज होने के बाद हाथ से भी खुल जाएंगे। अब हमने इस शटल को मशीन से अलग कर लिया है। अब हम इसकी यहां से सफाई कर देंगे। किसी कॉटन के कपड़े को लेंगे, यानी सूती कपड़े से इसको साफ कर देंगे। अब हम इस शटल को अच्छे तरह से खोलेंगे, क्योंकि ये गंदा हो जाता है, तो इसको साफ करने के लिए इसको पूरे को खोलेंगे और इसमें तेल देंगे। अब हम ये वाला जो पेज है इसको खोलेंगे, इसको इस तरह से खोल देंगे। अब हमने ये भी खोल दिया है। अब हम इसको पत्ती को उतारेंगे। अब हम इसको भी उतार देंगे, ये भी हमने उतार लिया। अब हम इसको भी उतार देंगे और ये जो है इसमें ये जो कचरा फंस जाता है, इस वजह से मशीन खराब सिलाई देने लग जाती है, तो हम अब इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। जो भी कचरा हो, कोई धागा हो, कोई कचरा हो, सब हम निकाल देंगे और इसकी इस तरह से सफाई कर लेंगे। ये अब हमने इसकी यहां से सफाई कर ली। अब हम इसमें तेल देंगे, यहां से ऐसे इसमें पूरे में हमने तेल दे लिया है। अब हम ये जो भी सारे पार्ट हैं इनको पोंछ लेंगे। ये सब हमने पोंछ के रख लिए। अब हम इन पार्ट्स को वापस सेट करेंगे। सबसे पहले ये वाला पार्ट यहां पर इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। उसके बाद हम इस पार्ट को इसके अंदर, ये जो पेज है इसके अंदर ये डल जाएगा। उसके बाद हम इसको रखेंगे, ये जो हिस्सा है ये इन दोनों किलों के बीच आना चाहिए, और ये जो पेज है हम इस छेद के अंदर डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे पेचकस के साथ। अब हमने ये टाइट कर दिया है। अब हम इसको वापस उस मशीन में सेट कर देंगे जहां से हमने इसको खोला था। अब ये जो स्टल है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये जो पेज है ये ऊपर की साइड होने चाहिए और इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे, और मशीन की जो सुई है ये ऊपर की साइड होनी चाहिए, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये इस तरह से टेढ़ा होना चाहिए, इस तरह से। फिर हम इसके साथ इसको यहां पर डाल लेंगे और बिल्कुल छेद की सीध में इस स्टल को हम सेट कर लेंगे बिल्कुल, और इसके अंदर ये पेज वापस से डाल देंगे। ये दोनों पेज हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इन दोनों पेजों को पेचकस की सहायता से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अब देखिए, ये दोनों पेज हमने बंद कर दिए हैं, वापस से टाइट कर दिए हैं। अब हमारा स्टल बिल्कुल सही है। अब हम इसमें ये खिड़की डाल लेंगे वापस से, और अब हमारी ये मशीन चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। सिलाई करके दिखाते हैं आपको। अब हमारी मशीन बिल्कुल हल्की हो गई है और बिल्कुल अच्छे से चल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।